नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि किया की सेल्टोस जब से लॉन्च हुई है तब से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग इस गाड़ी की बढ़ती जा रही है। और ऐसे में आप भी इस गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेल्टोस की कुछ कमियाँ और कुछ इसकी अच्छी बातें, कुछ पॉजिटिव। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ अच्छी बातों के बारे में, कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सभी वेरिएंट्स में हमें BS6 कंप्लायंस का इंजन मिल जाता है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, बेस वेरिएंट हो या टॉप वेरिएंट हो, सभी में हमें BS6 कंप्लायंस के इंजन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राइड क्वालिटी की, तो इसका जो स्टेयरिंग है वो चलाते टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होता है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें सभी की सभी ब्रेक्स जो है वो डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है इस गाड़ी में विद ABS, और जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और स्लीक गियर शिफ्ट जो है वो ड्राइवर के कम्फर्ट को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस गाड़ी के 1.5 लीटर डीजल इंजन की, तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है वो इंजन और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुपीरियर पिकअप हमें देखने को मिलती है। टर्बो लैग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, पावर डिलीवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीनियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें DCT ऑटोमेटिक लवर्स के लिए, तो ये गाड़ी हमें 6 मोड में ड्राइविंग का ऑप्शन देती है, इको, नॉर्मल, स्नो, मड, सैंड एंड स्पोर्ट मोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइड क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है हर तरह की रोड्स की कंडीशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ लवेबल फीचर्स की, इंटीरियर्स की, तो इस गाड़ी में हमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें हमें यूवो कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, जो हमें 37 कनेक्टेड फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम कार की जो लोकेशन है वो ट्रैक कर सकते हैं, स्पीड, जियो फेंसिंग, और इसके अलावा हम गाड़ी की हेल्थ रिपोर्ट भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट की सीट्स हमें जो है वेंटिलेटेड देखने को मिल जाती है, जो ड्राइवर सीट है वो 8-way एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है, सीट हाइट एडजस्टेबल, फ्रंट बैक इंक्लाइंट एडजस्टमेंट और थाई सपोर्ट एडजस्टमेंट हमें इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में हमें वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड एयर प्योरीफायर मिल जाता है, जो कि हमें किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। वेन्यू में हमें एयर प्योरीफायर मिलता है, लेकिन वो एज ए एक्सटर्नल एक्सेसरी हमें ऐड करके देती है कंपनी। लेकिन यहाँ अगर सेल्टोस की बात करें, तो सेल्टोस में हमें एयर प्योरीफायर इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है, उसको हम अपनी टच स्क्रीन जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, टच स्क्रीन डिस्प्ले से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, AQI लेवल चेक कर सकते हैं, पीछे की डिस्प्ले में भी हम जो इसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ और एम्बिएंट मोड लाइटनिंग जैसे बेहतरीन फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। बात करें एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर में हमें टाइगर नोज फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाते हैं, 17 इंचेस अलॉयज देखने को मिल जाते हैं, LED DRLs भी हमें देखने को मिल जाते हैं। वही अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो इस गाड़ी में हमें सभी की सभी ब्रेक्स जो है वो डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं, HUD का ऑप्शन भी हमें देखने को मिलता है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमें देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें ब्लाइंड व्यू कैमरा की, तो वो फीचर भी हमें इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जब भी हम इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो ये फीचर ऑन हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कुछ कमियां और प्रॉब्लम्स के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कमी से। तो इस गाड़ी के, जैसा कि आप सबको पता है कि इस गाड़ी के डीजल वेरिएंट में हमें 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर हम टॉप वेरिएंट भी खरीद रहे हैं, तो उसमें भी हमें डीजल के टॉप वेरियंट में भी 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, हमें 2 ही एयरबैग्स के साथ सेटिस्फाइड रहना होगा। तो दोस्तों, ये कमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर आप सेल्टोस खरीदने का प्लान कर रहे हैं, डीजल वेरिएंट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो 17 से 18 लाख खर्च करने के बाद भी आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल वेरिएंट की, तो कम प्राइसेस में भी हमें 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगली कमी की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि किया अभी इंडिया में लॉन्च हुई है, सेल्टोस इसकी पहली गाड़ी है और इसको अभी इंडिया में पैर जमाने में काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे में अगर आप ये गाड़ी खरीद लेते हैं, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो सर्विस स्टेशन है वो अभी इतने नहीं है, या फिर अगर आपकी गाड़ी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो पार्ट्स अवेलेबल जल्दी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अभी मेकिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसा सिर्फ हमारा कहना नहीं है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि ओनर्स ने पोस्ट की हुई है सोशल मीडिया पे। आप देख सकते हैं, जो शैलेश जी हैं दिल्ली से, उनकी 3 दिन पुरानी गाड़ी शोरूम में खड़ी है 2 महीने से, जो कि एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से पार्ट्स रिप्लेसमेंट की वेट कर रहे हैं, और दिल्ली जैसे शहर में जो है उनकी गाड़ी के पार्ट्स अवेलेबल नहीं है।
इसके अलावा दूसरे कमेंट में आप देख सकते हैं राहुल जी हैं, जिनकी गाड़ी 15 दिन से शोरूम में है और उनका कोई भी अभी तक डीलर से रिस्पॉन्स नहीं आया कि कब तक उनके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, और वो भी 15 दिन से वेट कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों को इस गाड़ी के साथ हीटिंग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, खासकर GTX DCT वेरिएंट वालों के साथ उनको इस गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सिद्धार्थ जैन जी, जिन्होंने 100 किलोमीटर का रन कवर किया 5 घंटों में दिल्ली में, और उनकी गाड़ी में हीटिंग इंडिकेशन आ गई, और वो कहते हैं कि उनको अभी तक कंपनी से कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला है इसका। और इसके अलावा मेहुल जी, वो भी ये लिखते हैं कि उनको भी इस गाड़ी के साथ हीटिंग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है और अभी तक कंपनी ने इस पर कोई भी रेजोल्यूशन या सोल्यूशन नहीं दिया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोगों का कहना है, बहुत से कस्टमर्स का कहना है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से गाड़ी बुक करवा रखी है लेकिन उनको अभी तक डिलीवरी नहीं मिली है। डिलीवरी तो क्या, उनको डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो परेशान है। आप देख सकते हैं कमेंट्स में लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि 4-4 महीने के बाद भी जो है उनको गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिल रही है और वो अपनी बुकिंग्स जो है वो कैंसिल करवा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इस गाड़ी के साथ सभी व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इस गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो ट्यून किए गए हैं कंफर्ट ओरिएंटेड ड्राइव के लिए, और अगर आप एक एसयूविश फील लेना चाहते हैं सिमिलर टू हारियर और कंपस, तो आपके लिए यहाँ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो दोस्तों ये थी सेल्टोस की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें, और मोटर वर्ल्ड और सेल्टोस की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।